होली का त्योहार आने ही वाला है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हैं। ज्योतिष के अनुसार होली के इस पावन पर्व पर कुछ विशेष उपाय करने से आपके घर परिवार में धन धान्य की वृद्धि होगी और परिवार में खुशियां आएंगी। चलिए बताते हैं आपको कि ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि रंग वाली होली के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के मंदिर की साफ सफाई करें और देवी लक्ष्मी का पूजन करें। पूजन सामग्री में लाल रंग के फूल जैसे गुलाब आदि, चावल गुलाबी लाल और भोग लगाने के लिए सफेद गुलाबी रंग की मिठाई, केला, सेब आदि फलों का प्रयोग करें। चलिए बताते हैं कैसे करें देवी लक्ष्मी की पूजा। देवी लक्ष्मी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं, लाल रोली या कुमकुम का तिलक लगाकर गुलाल चढ़ाएं, अक्षत यानी चावल को गंगा जल में गीला करके चढ़ाएं, घी का दीपक जलाकर देवी लक्ष्मी की आरती करने के बाद भोग लगाएं। इसके बाद देवी लक्ष्मी का ध्यान कर प्रार्थना करें कि इस होली से अगली होली तक आपके घर में खुशनुमा माहौल बना रहे। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। चलिए दूसरे उपाय की बात करें तो ज्योतिषाचार्य के अनुसार रंग वाली होली के दिन गुलाबी रंग के हर्बल गुलाल के 11 पैकेट लें, इन्हें गरीब बच्चों में बांट दें। यह उपाय सुबह सुबह किया जाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन से सभी संकट दूर होंगे और घर में खुशियां आएंगी। इसके अलावा पिचकारी या होली से संबंधित सामग्री, खाने पीने की चीजों का भी दान कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी और प्रगति नए अवसर मिलेंगे। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।